तो अभी चलिए समझते हैं एयर किसको किसको माना जाता है वो जरा समझ लेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है इसलिए थोड़ा इसको आराम आराम से समझ लेना और यही लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका मुस्लिम लॉ फिनिश हो जाएगा। नाउ चलिए हम लोग बात कर रहे थे तो अभी हम लोग बात करेंगे किस चीज की, अभी हम लोग बात करने वाले हैं सुन्नियों में एयर्स की। तो एयर्स कैसे होते हैं और कितने होते हैं सुन्नियों के अंदर, वो चीज पर हम लोग जरा बात कर लें। नाउ सबसे पहला यहाँ पर लिख लेना आप एयर्स। एयर्स हम लोग बात करेंगे सुन्नी लॉ के अंदर या हनाफी लॉ। सुन्नी बोले हनाफी बोले दोनों एक ही है, सो सुन्नी लॉ या हनाफी लॉ के हिसाब से। देखिए सुन्नी लॉ या हनाफी लॉ के हिसाब से अगर लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो विरासत की बात होती है, इनहेरिटेंस की बात होती है, तो वो उनके रिलेशंस में जाते हैं। यानी रिलेशंस का मतलब उनके जो रिश्तेदार हैं, जो मैंने कल ही बोला था कि जो नजदीक का रिश्तेदार होता है वो दूर को हटा देता है, नियरर एक्सक्लूड्स द रिमोटर। नाउ द फर्स्ट लाइन वी हैव टू राइट हियर कि जो हेरिटेबल प्रॉपर्टी होती है, नोट कर लेना द हेरिटेबल प्रॉपर्टी, द हेरिटेबल प्रॉपर्टी फर्स्ट गोज टू द रिलेशंस ऑफ द डिसीज्ड, रिलेशंस ऑफ द डिसीज्ड who on the basis of their preferential claim have been divided into the three groups, तीन ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया गया है, वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं। पहले समझना यहां पर कहा क्या गया, हेरिटेबल प्रॉपर्टी फर्स्ट गोज टू द रिलेशंस ऑफ द डिसीज्ड। हेरिटेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेबल प्रॉपर्टी। हेरिटेबल प्रॉपर्टी पहले डिसीज्ड के रिलेटिव को जाता है और वो रिलेटिव जब हम देखेंगे कि रिलेटिव को जाएगा, अगर बहुत सारे रिलेटिव हैं तो रिलेटिव में किसको पहले जाएगा इसके लिए प्रेफरेंशियल देखा जाता है। प्रेफरेंशियल का मतलब प्रेफरेंशियल क्लेम से है, यानी किसका क्लेम पहले लिया जाएगा किसका क्लेम बाद में लिया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वहां पर यह लग जाएगा कि जो मरे हुए व्यक्ति का सबसे नजदीकी रिश्तेदार होगा उसको पहले तवज्जो दी जाती है और बाकियों को बाद में तवज्जो दी जाती है। तो यही बात यहाँ पर मेंशन की हुई है, हेरिटेबल प्रॉपर्टी फर्स्ट गोज टू द रिलेशंस ऑफ द डिसीज्ड हु ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंशियल क्लेम हैव बीन डिसाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। अब यहाँ पर क्या है, अब हम लोगों ने कहा कि प्रेफरेंशियल क्लेम के बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। प्रेफरेंशियल क्लेम के बेस पर जब हम लोग कहते हैं कि डिसाइड करेंगे और बहुत सारे रिलेटिव्स सामने आ जाएंगे मरने के बाद, डिसीज्ड के यानी कि मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग सामने आएंगे कि भाई मैं उसका हूँ, हर कोई दावेदारी करेगा, तो यहाँ पर एक बड़ा बिग कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला रखा हुआ है, इन्होंने सारे जो क्लेम करने वाले लोग हैं उनको तीन तरीके के क्लेमेंट में बांट दिया गया है। यानी जो अपना दावा करते हैं उनमें तीन तरह के लोगों को दावेदारी में देखा गया है। अब उसमें जो दावेदार उस पोजीशन पर आएगा उसको पहले शेयर मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो देखिए तीन तरह के कौन कौन से दावेदार हो सकते हैं। सबसे पहला दावेदार होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में शेयरर्स बोलते हैं, शेयरर्स, और इसी को कुरानिक एयर्स भी बोलते हैं, कुरानिक एयर्स, इसी को कुरानिक एयर्स भी बोलते हैं, इसी को शेयरर भी बोलते हैं, हिंदी में इसी को अंशधारी भी बोलते हैं, इसी को अरेबिक शब्द में अगर बोला जाए पूरा प्योर कुल
फुल अरेबिक शब्द में अगर इसको बोला जाए तो इसको बोला जाता है अशाब अल फरीद, अशाब अल फरीद, डी है अशाब अल फरीद, या आप कह सकते हैं जाबुल फरूद, दोनों ही शब्द सही हैं, जाबुल फरूद। सो अशाब अल फरीद या जाबुल फरूद जो कि अरेबिक वर्ड होता है, यही शेयरर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप शेयरर इंग्लिश में कहेंगे, कुराने की और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में चले जाओ तो अंशधारी अरेबिक में बोलोगे तो अशाब अल फरीद या जबुल फरूद, जबुल फरूद कहा जाता है। तो देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा जो सामने आता है उसमें दूसरा जो आता है सामने उसका नाम है रेसिड्यूरीज, रेसिड्यूरीज। अब देखिए रेसिड्यूरीज क्या होते हैं, रेसिड्यूरीज एग्नेटिक एयर्स होते हैं, एग्नेटिक एयर्स को हम लोग रेसिड्यूरीज कहते हैं, इसको हिंदी में अवशिष्ट बोलते हैं, इसको हिंदी में अवशिष्ट बोलते हैं, रेसिड्यूरीज अवशिष्ट। नाउ अवशिष्ट का कुछ अरेबिक वर्ड अभी नहीं है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा और लास्ट जो निकल के आता है दैट इज डिस्टेंट किंडर, DISTANT, डिस्टेंट किंडर्ड, KINDRED, डिस्टेंट किंडर्ड, यानी दूर का जो ब्लड रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं, यानी यूटेराइन एयर्स, यूटेराइन एयर्स, या इसको आप बोल सकते हो हिंदी में दूर के ब्लड रिलेशंस, दूर के ब्लड रिलेशंस। तो आपको तकलीफ कहीं से नहीं होगी, आप हिंदी इंग्लिश अरेबिक सब समझ जाएंगे। तो तीन तरीके का कैटेगरी बताया गया है सुन्नी लॉ के अंतर्गत, और सुन्नी लॉ कहता है कि अगर कोई पर्सन जो मर जाता है उसका शेयर पाने के लिए सब हकदार है। अब लेकिन जब सब हकदार है तो सारे हकदार तो फिर आ गए तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, तो उनमें उनका प्रेफरेंशियल देखा जाता है, यानी प्रेफर दिया जाता है कि किसको प्रेफर दिया जाएगा। तो अगर मरे हुए व्यक्ति का कोई कुरानिक एयर है तो उसको पहले प्रेफर दिया जाएगा, जो कुरानिक एयर में अगर कोई नहीं मिलता है तो रेसिड्यूरीज में देखा जाएगा, और अगर रेसिड्यूरीज में नहीं मिलता है तो डिस्टेंट किंडर्ड में देखा जाएगा, और यहां भी नहीं मिलता तो स्टेट हो जाएगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। चलिए फिर हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला लेते हैं शेयरर्स, SHARES, शेयर्स यानी अंशधारी, हिंदी में इसको बोलते हैं अंशधारी। अब देखिए अंशधारी बोलो, शेयर्स बोलो, या कुरानिक एयर बोलो, कुरानिक एयर्स, या इसको क्या बोल सकते हैं, जबुल फरूद, जाबुल फरूद, सॉरी जाबुल फरूद, अशाब अल फरीद, दोनों ही चीजें सही, अशाब अल फरीद। तो देखो कुरानिक एयर बोलो या शेयर्स बोलो, चलिए समझते हैं। देखिए ये शेयर्स कौन से होते हैं, कहता है इसमें वो लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली जिनको कि कुरान की तरफ से फिक्स कर दिया गया है। तो शेयर्स में कौन आएगा, सबसे पहले चलो समझना, दे आर relations, they are relations whose share have been, whose share have been specifically, specifically fixed by Quran. तो कुरान ने जिसको फिक्स करके रखा है उसकी बात करते हैं। So their shares, their shares cannot be altered by any human effort। मतलब बड़ा सीधा है, जो कुरानिक एयर हैं जिसको आप अंशधारी बोलते हो, जिनको आप शेयरर्स बोलते हो, शेयर्स बोलते हो, जिनको जाबुल फरूद कहा जाता है, जिसको अशाब अल फरीद कहा जाता है, उनको कोई भी मानवीय शक्ति, आदमी की कोई भी ताकत
इंसानी ताकत उनको उनके शेयर लेने से मना नहीं कर सकती है। यानी ये कुरान ने फिक्स कर दिया है कि मरने वाले व्यक्ति के साथ जो लोग शेयरर्स के तौर पर जुड़े हुए हैं उसी को कुरान केयर कहा जाता है। तो अगर आप कुरान केयर की बात करेंगे तो इनके जो नंबर्स हैं दे आर 12 इन नंबर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लेना, शेयर्स के अंदर दे आर यानी शेयर्स shares या तो शेयरर्स आर 12 इन नंबर्स, नंबर्स में ये 12 हैं, ठीक है। तो दे आर 12 इन नंबर, मेजॉरिटी ज्यादातर इसमें फीमेल आती है, मेजॉरिटी से अगर आप देखोगे तो इसमें फीमेल ज्यादा मिलेंगी आपको। यानी कुरान केयर में ज्यादातर फीमेल्स के मतलब रोल्स ज्यादा है, फीमेल्स को ही कुरान केयर में जगह मिली है। तो देखिए कौन कौन से आते हैं पहले समझो। अगर हम लोग मेल के साइड से चलें तो मेल के साइड से हम बात करेंगे तो हस्बैंड इज ए कुरान केयर, उसके बाद फादर, फादर इज ए कुरान केयर, ट्रू ग्रैंडफादर अपने दादा, ट्रू ग्रैंडफादर इज ऑल्सो ए कुरानिक एयर। इसके ऊपर जो भी पीढ़ी होगी, हाउ हाई सो ईवर, जो इसके ऊपर जो भी पीढ़ी होगी सब अपने, दैट इज हस्बैंड फादर और ट्रू ग्रैंडफादर। इसके बाद यूटेराइन ब्रदर, यूटेराइन ब्रदर, तो यूटेराइन ब्रदर इसमें है। ये हो गया हस्बैंड फादर और दादा और अपने जो भी दादा के ऊपर की पीढ़ी है वो, इसके अलावा यूटेराइन ब्रदर। अब इसके बाद अगर फीमेल के साइड में हम लोग चले, नोट जरूर कर लेना, फीमेल के साइड में हम जाते हैं तो वाइफ, वाइफ उसके बाद मदर, इसकी वाइफ ट्रू ग्रैंड मदर, ट्रू ग्रैंड मदर, इसके ऊपर हाउ हाई सो ईवर, सो ईवर, कोई भी इससे ऊपर की पीढ़ी होगी वो। इसके अलावा बेटी बोले थे डॉटर, अब इसमें देखो डॉटर इंक्लूड हो गई जो कि शेयरर है, अंशधारी है, कुरानी केयर है, जाबुल फरीद है, जाबुल फरीद। नाउ डॉटर के बाद आती है सन्स डॉटर, सन्स डॉटर, बेटे की बेटी, या उससे नीचे चले जाओ हाउ लो सो ईवर। इसके बाद आती है यूटेराइन सिस्टर, यूटेराइन सिस्टर, नीचे आती है फुल सिस्टर, उसके नीचे आएगी फुल सिस्टर, फिर इसके भी नीचे आती है दैट इज कॉल्ड कंसिंग्वाइन सिस्टर, कंसिंग्वाइन सिस्टर, सी ओ एन एस ए एन जी यू आई एन ई, कंसिंग्वाइन सिस्टर। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है यहाँ पर, ये बहुत बार पूछा गया है, सन इज नॉट इक्वल टू ए कुरानिक एयर, सन कुरानिक एयर नहीं होता है, सन कुरानिक एयर नहीं होता है। यहां से अगर काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, कुछ भी मिसिंग नहीं है। ये 12 लोग हैं, ये 12 लोग ही शेयरर्स की कैटेगरी जमात बनाते हैं, यानी कि ये सब लोग कुरानिक हैं। और कुरानिक एयर्स होने का मतलब जो कोई भी डिसीज्ड है, जो मर गया है, जो डिसीज्ड है उसकी संपत्ति में ये सभी पहुंच जाएंगे अपना अपना शेयर लेने के लिए। वो कैसे बटेगा वो बाद की बात है, पहले ये तो फिक्स हो जाए कि कौन कौन शेयर ले सकता है, कौन कौन शेयर ले नहीं सकता है। अब ऐसा होता है कि इसमें से आपको मेल और फीमेल में जो 12 लोग दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 12 के 12 जीवित होंगे, जरूरी नहीं है कि 12 के 12 12 के 12 नंबर्स में लोग जीवित होंगे। तो जो जीवित होगा वही दावेदारी करेगा, वही क्लेम करेगा, जो जीवित नहीं होगा उसकी दावेदारी नहीं होनी है। नाउ
अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या किया है मुल्ला साहब के हिसाब से, मुल्ला साहब ने कहा है यानी अकॉर्डिंग टू मुल्ला जो अपने राइटर हैं, मुल्ला साहब ने कहा है कि देयर आर प्राइमरी एयर्स, यानी इनको प्राइमरी एयर्स के नाम से जाना जाता है, इनको प्राइमरी एयर के नाम से जाना जाता है, और इनके हिसाब से देयर आर ओनली सिक्स प्राइमरी एयर्स, जिसमें उनके हिसाब से कहा गया है फादर मदर सन डॉटर हस्बैंड एंड वाइफ। खैर उतने के पीछे नहीं पढ़ना है, जो टू द पॉइंट है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। नाउ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आई होप सो उतार लिया होगा, लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टू दीज देयर आर थ्री सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द three substitutes of the corresponding primary heirs, corresponding primary heirs who inherits in their absence। ये सब आपको अकील अहमद साहब के बुक में भी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी डिटो, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा आपको हो सकता है कि तकलीफ हो समझने में, इसीलिए पहले ही आपको शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी कोई भी आप अच्छी रेपुटेड राइटर की बुक आप पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक देख सकते हो। नाउ यहाँ पर बस पॉइंट क्या याद रखना है कि ये कुरानी केयर्स हैं और कुरानी केयर्स के नंबर 12 होते हैं। इन्हीं को कहीं भी पूछ देगा अशाब अल फरीद की संख्या कितनी होती है, जाबुल फरूद कितने होते हैं, तो ये सब पूछ लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई डिसीज्ड मुस्लिम है मर गया, तो उसका जो हेरिटेबल प्रॉपर्टी होगा उसके बाद हेरिटेबल प्रॉपर्टी में यही सब लोग आकर के सामने से अपनी दावेदारी करेंगे, ठीक है। तो ये लोग अपनी दावेदारी करते हैं। नाउ अब सवाल ये उठता है कि किसको कितना शेयर मिलना रहता है, वो भी एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो वो हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं रेसिड्यूरीज की। रेसिड्यूरीज का मतलब होता है एग्नेटिक एयर्स, या इसी को अवशिष्ट भी बोलते हैं। नंबर टू है रेसिड्यूरीज। रेसिड्यूरीज में आता है जिसको हिंदी हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट, या इसी को एग्नेटिक एयर कहा जाता है। एग्नेट और कॉग्नेट आप लोगों ने नाम सुना होगा, एग्नेटिक एयर्स। देखिए एग्नेटिक एयर्स या ये क्या होते हैं उस चीज को समझिए। एग्नेटिक एयर्स का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, जब हम एग्नेटिक एयर्स की बात करते हैं तो इसमें से अगर आप डिसाइड करेंगे तो इसके अंदर भी चार होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी चार होते हैं, यानी अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो रेसिड्यूरीज वो होते हैं, जस्ट